थ्रो करने का अच्छा फैसला, हाइट पे जा चुके हैं, वहां से शायद ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एकेएम है गेम सो। एक बुलेट अगर अच्छे से यहाँ पे कनेक्शन ढूंढ लेते हैं तो कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गॉब्लिन की रिफ्लेक्सेस काफी तेज है, हम जानते हैं काफी तेज है, बट क्या तीन प्लेयर को एक साथ यहाँ पे स्प्रे में लेके आ सकते, क्योंकि देखिए वो स्प्रे तीनों प्लेयर एक साथ कर रहे हैं, जानते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं इस पॉइंट पे, तो एक भी चूक नहीं की जा रही, सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। जल्दबाजी एलजेड की तरफ से नहीं दिख रही, बट 7C की एंट्री आ रही है। गॉब्लिन लेफ्ट साइड भी स्मोक कर बैठेंगे, राइट साइड तो ऑलरेडी स्मोक किए थे, अब ना चाहते हैं इनको आगे जाना पड़ेगा। डैमेज की बात करें तो एक प्लेयर को नॉक कर चुके हैं, दूसरे प्लेयर को नॉक कर चुके हैं, गॉब्लिन को आप मौका नहीं देंगे, वरना इस तरीके से वो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अपग्रेड किया गया 1v2 यहां पे ऑलरेडी अभी देखने को मिला, ट्रिपल 1v3 हो चुका है, बट 7C लेफ्ट साइड से आप आ रहे हो, गॉब्लिन ऑलरेडी फाइट में, कैसे ही एक पूरी स्क्वाड को रोक सकते, बट एलजेड को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया। गॉब्लिन के लिए अब एक नया चैलेंज 7C के रूप में, बट गॉब्लिन ने यहाँ पे 1v3 किया एलजेड को। देखिए 1v4 भी ऑलमोस्ट हो जाता है यहाँ पर, जो लग रहा था मुझे आबाद, लेकिन 7C आ चुकी है, गॉब्लिन के पास समय अब ज्यादा बचा नहीं हुआ। तीन फर्स्ट एड किट है, एक और अप्लाई यहाँ पर कर दी जाएगी, बट क्या जो गलती एलजेड ने की थी, क्या वो करते हुए नजर आएंगे? मोलोटोव किया क्या ऑलमोस्ट उनके ऊपर, वो होता नजर आया था क्या? यहाँ पर एक और क्लच देखने को मिल सकता है, ट्राई किया जा रहा है, गन स्विच कर दी गई है यहाँ पर, और एक बुलेट अब है यहाँ पर दूसरे कलर के ऊपर, अगर वो जाते हैं तो दूसरा नॉकआउट भी निकाल देंगे। जी हाँ, वो निकाला गया है, बट अभी भी वो दो खिलाड़ी बचे हुए हैं। एक और फर्स्ट एड किट यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, फर्स्ट एड किट लगा दीजिए, एक और नॉक, लेकिन ये काफी धमाकेदार एक क्लच होता हुआ नजर आएगा। गमला बॉय आखिरी बचे हुए हैं, 3 सेकंड यहाँ पर बचा हुआ है, लेकिन क्या हो पाएगा? जी नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट